हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल इंफोस एंड फैक्ट्स। आज पहली बार हमारे चैनल पे किसी फोन का अनबॉक्सिंग होने वाला है। तो यह फोन है रेडमी नोट 4 का, जो वेरिएंट है 64GB का, 4GB रैम वाला। यह फोन बहुत ही रेयर केस में किसी को कोई ऑनलाइन बुक कर सकता है इसको। तो जैसे कि मैंने एक इस फोन को बुक करके मंगाया है, आप देख सकते हैं हमारे पास पैक है पूरा, आज ही आया ये फोन। तो आपको मैं इसको अनबॉक्स करके दिखाऊंगा किसके अंदर क्या क्या है, उसके इस फोन के अंदर फीचर्स क्या है जो इस फोन को एकदम रेयर बनाता है। तो आगे देखिए, इसको तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको अनबॉक्सिंग करते हैं इसको। ये बॉक्स इसका मेड इन इंडिया, इसके अंदर दिया है 625 ऑक्टा को प्रोसेसर, 13.9 सेंटीमीटर मतलब 5.5 एचडी का है, 13 मेगापिक्सल कैमरा है इसका रियर एंड 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, फिंगरप्रिंट सेंसर, मेटल बॉडी, 4100 mAh का बैटरी है इसका। तो इसको हम ओपन करते हैं, चलिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप उसको एक ये बॉक्स के ऊपर ना 4 लिखा हुआ है, कर्व कर थोड़ा कर्व करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये 4 लिखा हुआ है। तो हम उसको ओपन कर लेते हैं। ये सामने हमारे फ़ोन आ गया, जो नॉर्मल फ़ोन अपना एकदम रेडमी नोट 3 की तरह दिखता है, एकदम सेम। बट इसमें फ़र्क क्या है, जो पीछे देखिए स्पीकर दिख रहा है आपको, पीछे स्पीकर जो स्पीकर है रेडमी नोट 3 में स्पीकर पीछे दिया हुआ है, बट इसमें नीचे दिया हुआ है। ये दो अलग अलग स्लॉट दिया, बट इसमें स्पीकर एक ही स्पीकर इसके अंदर है। ये फिंगर सेंसर बाकी सब सेम है, आयर ब्लास्टर ये हेडफोन का है, होम बटन, बैक बटन, ये ऑप्शन का है, चार्जिंग का है, पावर बटन एंड वॉल्यूम बटन है यहाँ पे, एकदम सेम टू सेम। ये रेडमी नोट 3 की तरह ही एकदम रेडमी नोट 3 एकदम सेम टू सेम, आप देख सकते हैं इसको। देखते हैं इसके साथ में और क्या है। ये यूज़र मैनुअल है, ये वारंटी कार्ड है। जैसे कि आप नॉर्मल एक जो चार्जर है इसका रेडमी का, एकदम सेम है वैसा। ये USB केबल है एकदम, यहाँ तक कि अभी रेडमी वाले ने अभी तक फास्ट चार्जिंग का कुछ स्कीम बनाया नहीं लोगों ने, एकदम सिंपल सा है वो। ये सिम स्लॉट ओपन करने का ये की है, ये हाइब्रिड सिम है इसके अंदर। तो इसको स्टार्ट करते हैं इसको। ये आ गया, उसको लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, इंग्लिश इंडिया।
वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं इसको। स्किप करते हैं इसको, फिंगरप्रिंट ऐड करने हटाते हैं इसको, स्किप। तो चलिए सेटअप कंप्लीट हो गया है, ये लोड हो रहा है। यहाँ पे ये स्टार्ट हो गया है, ये गैलरी है, एम्प्टी है। चलिए इसके पहले हम लोग कैमरा देखते हैं इसका। हम लोग कैमरे का क्वालिटी एकदम रेडमी नोट 3 की तरह ही है, एकदम थोड़ा सा उससे अच्छा है ये कि इसका कैमरा रेडमी नोट 3 के कैमरे से थोड़ा सा अच्छा है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर ना 2.5D का ग्लास लगा हुआ है, मतलब उसमें गोरिल्ला ग्लास है ही नहीं। मतलब आप इसको अगर आपको ये फोन आपको संभाल के रखना पड़ेगा, अगर आपसे फोन गिर गया तो हो सकता है इसको का जो डिस्प्ले टूट सकता है, आपको एकदम संभाल के आपको केयर करना पड़ेगा इसका। और इसका स्क्रीन जो है 5.5 इंच का HD है, फुल HD है। तो देख सकते हैं इसके अंदर हम सेटिंग में आते हैं। RAM 4GB है, इंटरनल मेमोरी 64GB का है, बट जो इंटरनल जो इधर डेटा है उसको सब GB खा के 10GB खा लेते हैं, तो 54GB आपको यूज करने के लिए मिलेंगे आपको। तो एकदम सिंपल सा फोन है ये। तो एक फोटो क्लिक करके दिखाता हूँ आपको, जैसे मैं चार्जर का फोटो क्लिक करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं क्वालिटी ठीक है, क्वालिटी बढ़िया है इसका। जैसा कि आपने देख लिए, अगर आपके पास नोट 3 ऑलरेडी है, अगर आपको अपग्रेड करना है इस फोन को, तो आप नोट 3 से नोट 4 मत आइए। ज़्यादा कुछ फायदा नहीं है इसमें आके, क्योंकि जो उसका कैमरा क्वालिटी है ना, कुछ ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, एकदम थोड़ा सा इससे अच्छा है। नोट 3 से नोट 4 का कैमरा क्वालिटी एकदम स्लाइटली थोड़ा सा अच्छा है। और इसमें तो गोरिल्ला ग्लास भी नहीं है इसके अंदर, तो आपको इसको एकदम सेफली बचा के रखना पड़ेगा, आपको एकदम केयर करना पड़ेगा इसको एकदम।
और एकदम बाकी सब सेम एकदम सेम है। जैसा कि मैंने आपको बताया नोट 3 और नोट 4 के अंदर डिफरेंस ये है कि स्पीकर इसका नीचे है और नोट 3 में स्पीकर इसका पीछे साइड है, ये डिफरेंस है। और अगर आपको ये फ़ोन लेना है तो ये दो जगह अवेलेबल है ये फ़ोन, एक तो flipkart.com पे और एक mi.com पे, आप कहीं भी आकर ले सकते हैं।